हाई माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरज चैनल के ऊपर नमस्ते सलाम सत श्रीकाल आदाब आप सभी लोगों को तो आज की वीडियो आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल है कि उनका आगे चल कर के प्लान क्या है इस रिलेशन को लेकर के ठीक है कि वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में और उनका प्लान क्या है चाहे आप नो no कम्युनिकेशन में है कम्युनिकेशन में है और एक्सप्रेसिव है इनएक्सप्रेसिव है कन्फेशन हो चुका है नहीं हो चुका है जो भी जो भी प्रॉब्लम है आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उनका प्लान क्या है इस रिलेशन को लेकर के ठीक है आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं लव मैसेजेस भी देखेंगे एंजल गाइडेंस भी देखेंगे एंड मोर ओवर देखने की कोशिश करेंगे कि उनका नेक्स्ट प्लान आपके लिए क्या है सेवन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस प्रेयर जरूर करी होगी अब जो लोग नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूं कि मैं प्रेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा गाइडेंस मिले अगर वीडियो आपके लिए कई बार होता है ना वीडियो आपके लिए नहीं होती आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो वीडियो पर एंड में आपको पता लगता है यार ये मेरे को मुझे रेजोनेट ही नहीं हुई तो चाहे वीडियो आपके लिए हो या ना हो आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा फॉर दिस वीडियो ठीक है फ्रॉम दिस वीडियो ओके पेज ऑफ सोर्ड्स फाइव ऑफ एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस फाइव ऑफ पेनिकल्स ओके टॉरस विगो कैप्रिकॉन इस बंदे की माली हालत ठीक नहीं है एंड जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप के अंदर हैं ये रिलेशनशिप में पर्सन ने डिनाई किया है इन दिस रिलेशनशिप क्योंकि मुझे यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है वो है कि एक तरीके की डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में ठीक है एक तरीके का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में और ये डिफरेंस काफी बड़ा हो सकता है मे भी हो सकता है कास्ट रिलीजन का इशू हो आई होप आपको काज अच्छे से दिख रहे हैं राइट हाँ तो कास्ट रिलीजन का इशू हो या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से पेरेंटल कोई इशू हो आप दोनों के बीच में ठीक है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रीज़न है कोई भी ऐसा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो चाहते हो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना उनकी नेक्स्ट प्लानिंग बहुत अच्छी है आप, आपके साथ में हुआ करती थी सॉरी ठीक है लेकिन अभी हाल ही में जो मैं देख रही हूँ ना वो ये है कि आपके पर्सन ना चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा ठीक है इस तरीके की उनकी मन में थिंकिंग चल रही है बहुत ज्यादा मेस्डअप हो चुके हैं ठीक है हो सकता है आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत कम हो या फिर कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा हो ठीक है और जो कन्वर्सेशन बहुत जिन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा है उनके दरमियान ना रेगुलर बेसिस पे लड़ाई होती रहती है बहुत ज्यादा और जिन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत कम है लाइक एकदम नील के बराबर या फिर है ही नहीं वो उन लोगों के जो पार्टनर है यानी कि व्यूवर्स आपके जो पार्टनर हैं जिनके बीच में आपस में मतभेद चल रहा है और बातें नहीं हो रही हैं बहुत कम हो रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं ठीक है अभी आपके सोशल मीडिया से स्टॉक कर सकते हैं आपको या फिर आपके किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर जो कि कॉमन फ्रेंड वगैरह उसके थ्रू भी कर सकते हैं ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं ठीक है अगर मैं बताऊं तो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है बहुत सारी चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है ठीक है तो इस तरीके की कुछ अभी करंटली प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके ज़िंदगी में चलिए आगे और देखते हैं कुछ कार्ड्स और निकालते हैं हम दूसरे टेरोडेक्स से ताकि हमें और अच्छे से पता लग सके कि बंदे की नेक्स्ट प्लानिंग है क्या इस रिलेशन को लेकर के अभी तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है सेवन ऑफ कप्स हो सकता है उनकी जिंदगी में प्रपोजल्स की कमी ना हो लेकिन उनकी माली हालत भी सही नहीं है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है इतने ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जिसकी वजह से जो है आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो हो सकता है उनके घर वालों ने बोल रखा हो कि भाई तुम इतना कमाओगे ना तब हमने कुछ कर... चलिए कुछ हैं फोर ऑफ पेनिकर्स पैसे की लड़ाई आप दोनों के बीच में और का डिफरेंस है या तो हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस इतने स्ट्रांग नहीं है या फिर इस पार्टनर के फाइनेंसिस इतने स्ट्रांग नहीं है या तो हो सकता है कि इनको बहुत ही ज्यादा सा एक्सक्यूज हो ठीक है इनके घर वालों को बहुत सिली सा एक्सक्यूज हो अपनी बात को मनवाने के लिए आ, किसी भी चीज को लेकर के ठीक है मे बी लुक्स को लेकर के मे बी डिग्निटी को लेकर के कुछ भी एस ऑफ पेनिकल्स डेथ कार्ड सिक्स ऑफ कप्स ब्यूटीफुल बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स अगेन आपने वो चीज़ सुनी है ना अच्छे से कि मतलब जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तभी आ, सुबह होने वाली होती है है ना रात में सिर्फ सुबह होने का समय होता है तो उससे पहले जो आधे घंटे की रात होती है वो हद भयानक होती है और स्पेशली विंटर सीजन्स में तो बहुत ही ज्यादा है ना बस ये भी कुछ वैसा ही है आप दोनों की जिंदगी में ना भूचाल आया हुआ है वो ही काली घनेरी रात चल रही है लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सही भी होगा ठीक है बहुत जल्द सब कुछ सही भी होगा ये पर्सन जो अभी अपने आप को गार्डेड अप करके बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स ये पर्सन हटेंगे इन सब चीजों से ठीक है आपको एक ब्यूटीफुल सा कमिटमेंट भी देंगे ठीक है एंड विथ दिस डेथ कार्ड आप दोनों के बीच में नई शुरुआतें भी होंगी क्यों क्योंकि ये रिलेशनशिप है एक ब्यूटीफुल सा सोलमेट कनेक्शन हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो ठीक है बट हाँ ये एक ब्यूटीफुल सा सोलमेट कनेक्शन है जिसके अंदर आप दोनों सोल टू सोल लेवल में ना एंगेज हो आप दोनों वाइब्रेशन के थ्रू एक दूसरे से बात कर लेते हो ठीक है तो वो चीज मेरे को यहाँ पे बहुत नजर आ रही है देखो भले ही इस बंदे के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हो इसके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हो सब कुछ हो भले आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती हो जब भी बात होती हो या ये बंदा आपको इग्नोर कर देता हो आपको ठीक से ठीक से कुछ भी ना कहने सुनने की कोशिश ना करता हो हर वक्त आपके साथ नेगेटिव ट्रॉमा में लगा रहता हो बट एक बात मैं आपको बता देती हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब इसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर काम, काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल ये पर्सन उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से चीजों को सेटल किया जाए मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं ये इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं विद दिस फोर ऑफ पेनिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्च क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है ठीक है ये अभी कंफर्म नहीं है कि भाई चीजें सेटल होंगी हमारे बीच या चीजें सेटल नहीं होंगी कुछ अच्छा होगा या कुछ अच्छा नहीं होगा और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस यू नो इनसिक्योरिटी एंड कंफ्यूजिंग पैटर्न इनके दिमाग में कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो उसके उससे अभी भी बात करता हूं नॉर्मल अच्छे तरीके से और फिर एक दिन ऐसा हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो और फिर वो सारा का सारा दोषारोपण मेरे ऊपर डाल दे ठीक है तो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का भी दोष इनके सर आए इस वजह से ये बंदे ना आपको अभी कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बट ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत या जज्बात नहीं है ऑफकोर्स है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं इनका नेक्स्ट प्लान ये है कि ये पर्सन आकर के आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे माफी मांगेंगे अपने सारे किए कि जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ एंड दूसरी चीज आपको प्रपोजल दे करके क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या फीलिंग आ रही है कि जब इसके पेरेंट्स आपके ऊपर कोई ना कोई दोषारोपण लगा रहे थे या कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे तो इसने ना उस वक्त ऐसा ज्यादा कोशिशें नहीं करी इसने ना डिनाई कर दिया गिव अप कर दिया ये कहकर के भाई मेरे घर वाले तो कभी मानेंगे ही नहीं ठीक है लेकिन इनका भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना ठीक है तो वो चीजें मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रही है तो आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी टेंशन मत लो ठीक है अब मैं चेक कर लेती हूँ कि कब तक ये पर्सन अपने किए की गलती की माफी मांगेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे ठीक है क्योंकि ये जानना ना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम देखो पॉजिटिविटी बंदे की मेंटेन जब भी हो पाती है जब उसको सामने से कुछ दिख रहा हो ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कल मैंने एक वीडियो डाला था ब्यूटीफुल सन्स जिसके अंदर गाइडेंस कुछ ज्यादा ही हो गया था तो मैंने डाल भी दिया था ब्रैकेट में कि हाँ वे गाइडेंस वीडियो है विद द एलोए टिप्स एंड ट्रिक्स अब भाई उसके अंदर लोगों ने कमेंट की बौछारें करी है कोई बहुत तो अच्छे कमेंट्स थे कुछ चुनिंदा ऐसे कमेंट्स भी थे जो कि आपको पढ़ करके ही मतलब देख करके ही नेगेटिविटी आ जाए कि मैं इतना बुरा हुआ है मेरे साथ ये हुआ है मेरे साथ वो हुआ है ऐसा कैसे पॉसिबल है मुझे तो ना घिन आती है पॉजिटिविटी टॉपिक तौप, से ही ये वो अब जब सामने कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है तो कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं अब यार मुझे एक बात बताओ जिंदगी मैंने कल ही बोला था उस वीडियो के अंदर जिंदगी आपकी एकदम बकवास है ठीक है मैं तो ये बोलूंगी एकदम ही बकवास है फ्रस्ट्रेटिंग है इरिटेटिंग है एंग्जाइटी से भरी हुई है स्ट्रेस तो भाई बेहिसाब है लेकिन हमारा उस वक्त क्या कर्तव्य बन रहा है जब सब कुछ इतना सब कुछ बुरा हो ही रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी एक बार कोशिश करके देख लेते हैं ना यार क्या पता हमें रिजल्ट मिल जाए ठीक है बट एनी तो इसीलिए मैं निकाल के देख रही हूँ कि कब तक होने के चांसेस हैं कब तक ये पार्टनर जो है आपके कोई ना कोई स्टेप लेंगे कब तक आने की कोशिश करेंगे फॉर माई ब्यूटिफुल यू नो दैट पीपल जिनके दिमाग में पेशेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो काफ़ी समय से पेशेंस uh, कर रहे हैं तो हमारे पास है वर्ल्ड डेथ कार्ड अगेन वाओ ब्यूटिफुल एंड हमारे पास है मून कार्ड ये आएगा आपका पाइसेस है पाइसेस सीजन 2021 के पाइसेस सीजन में ये पर्सन कोई ना कोई ब्यूटीफुल स्टेप ले लेंगे ठीक है कोई ना कोई ब्यूटीफुल स्टेप ले लेंगे पाइसेस और कुछ लोगों के लिए कैंसर सीजन ओके गाइस तो ये है आपका सवाल का जवाब इनका नेक्स्ट प्लान है आपसे आना सॉरी बोलना माफी मांगना चीज़ों को सॉर्टेड करना एंड इनका नेक्स्ट ये जो स्टेप होगा ये होगा पाइसेस सीजन में या कैंसर सीजन में ओके okay? चलिए अब थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं फ्रॉम दी एंजल्स और फिर इनके थोड़े से मैसेजेस भी देखेंगे चलिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन जो चीज़ मैंने आपको बोली थी अभी थोड़ी देर पहले वो एलो वाले वीडियो के ऊपर कि आप थोड़ा सा देख करके देख लेते हैं ना इतनी नेगेटिविटी में बैठे रहें उससे बेटर तो. सरेंडर टू द डिवाइन देखो ये समय है एक्शन लेने का और एक्शन आपका होना चाहिए कि आप सरेंडर कर दो डिवाइन को पॉजिटिव रहो अच्छा सोचो और एक और कार्ड है हमारे पास यहाँ पे नथिंग इज येट सेट इन टू दिस स्टोन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रह्म की भाई ब्रह्मांड ने लिख दिया कुछ भी पत्थरों के अंदर जड़वा दिया ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सब कुछ बदल सकता है सो so, ये थी आज की रीडिंग आई होप आप लोगों से रेजोनेट करी होगी एंड इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड किसी भी तरीके की पोस्ट में पेटिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को एक बार फिर बता दू कि जो भी हम अभी सोच रहे हैं वो कल होने वाला है ठीक है तो स्टार्ट यू नो फिक्स योर थाट्स लव यू बहुत सारा बाय